हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप का एवेंजर्स वाला टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूं। गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर रखे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बहुत ही ज्यादा मजेदार एवेंजर टॉयज। यहां पे आप देख सकते हैं वॉकी टॉकी है, एवेंजर्स वाली रोबोट वॉच है, एवेंजर्स वाले गाइज कुछ इस तरह के कैरेक्टर हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है, और गाइज देखो एवेंजर सोल्जर है, मास्क है, पेन है, शार्पनर है, और गाइज अलग अलग टाइप की वॉचेस हैं, वीडियो गेम है, एक गाइज ये देखो डायरी है, पेंसिल पाउच है, और इस तरह के बहुत सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे साइड में भी रखी हुई है जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ये देखो मेरे पास एवेंजर की बहुत सारी वॉचेज है, और गाइज ये देखो कुछ इस तरह के कैरेक्टर हैं, और भी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो कुछ इस तरह के कैरेक्टर भी हैं, है ना, जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइज बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको टॉय कलेक्शन मतलब ये एवेंजर्स का टॉय कलेक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइज सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है गाइज मेरे पास यहां पर एवेंजर्स वाला कुछ इस तरह का ये देखो वॉकी टॉकी का सेट, ये मुझे 400 रुपीज का मिला। ये देखो यहां पे लिखा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, 3+ एज वाले बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और गाइस देखो यहां पे लिखा वॉकी टॉकी है ना, और गाइस दो दो वॉकी टॉकी हमें इसके अंदर मिलती है, बहुत ही अमेजिंग है गाइस। ये देखो इसके अंदर हमें बैटरीज डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये वर्क करता है। तो गाइस देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है और गाइस ये किस तरह से वर्क करता है। सो गाइस ये देखो वॉकी टॉकी को मैंने निकाल लिया बाहर, और गाइस ये देखो जो ये पाउच है ये खाली हो गया, और ये देखो वॉकी टॉकी मेरे हाथ में आ गई है। इनके अंदर हमें बैटरीज डालनी पड़ेगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगा यूज करके, और गाइस ये देखो वॉकी टॉकी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन वाली होती है, ये देखो है ना, बहुत ही अमेजिंग है गाइज, आप देख ही सकते हैं कितने ब्यूटीफुल ये दिखाई दे रही है, और क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अमेजिंग है। देखो यहां पर बटन है बात करने के लिए, देखो इस साइड अगर हम इस बटन को दबा के बोलेंगे तभी साउंड इस वॉकी टॉकी से इस वॉकी टॉकी में जाएगा, और गाइज ये देखो कुछ ऐसा ये दिखाई दे रहा है, काफी अमेजिंग है ना, ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। तो गाइज देखते हैं इसके अंदर से बैटरीज कहां से डालेंगे, एक सेकंड का वेट कीजिए। सो गाइज ये देखो मैंने वॉकी टॉकी के अंदर बैटरी डाल दी है, देखो इसके अंदर मैंने बैटरी डाल दी है, देखो ये ऑन हो गया है, मैं इसको घुमाता हूं गाइज, ये देखो यहां पे इसकी लाइट ऑन हो गई और साउंड भी आने लग गया है, सुनो है ना, साउंड आने लग गया है, और इसको बंद करते हैं और इसके अंदर मैं बैटरी डाल के आपको दिखाता हूं कैसे हम इसके अंदर बैटरी डालेंगे। सो गाइज इसको फिलहाल के लिए पहले साइड में रखते हैं, देखो दो बैटरी मैंने इसके अंदर डाल ली है और ये तीसरी बैटरी भी मैं इसके अंदर डाल देता हूं, है ना, और गाइज ये देखो यहां से हम इसको कर देंगे बंद, और गाइज ये देखो यहां से बंद करने के बाद इसका पेच लगा देंगे, और गाइज ये देखो इसके अंदर भी लाइट जल गई है, और गाइज ये देखो कुछ इस तरह से ये ऑन हो गया, आप देख सकते हैं लाइट आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ये ऑन हो चुका है, और गाइज दोनों वॉकी टॉकी देखो ऑन होने के बाद किस तरह से वर्क करेंगे, देखना ये देखो मैंने इसका बटन ऑन किया, इसका भी बटन ऑन किया, और ये देखो दोनों के अंदर से साउंड आएगा, ये देखो, और अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तब मैं एक वॉकी टॉकी से दूसरी वॉकी टॉकी में बोल सकता हूं हेलो, ये देखो भाई मैं इससे बोलूंगा इसके अंदर साउंड आएगा, हेलो 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 हेलो, अब गाइस इससे बोलूंगा इसके अंदर साउंड आएगा, हेलो हेलो हाउ आर यू टंगो चार्ली। सो गाइस आप देख सकते हैं दोनों वॉकी टॉकी में से साउंड आ रहा है, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो गाइस 100 मीटर की रेंज इनकी आराम से होगी, इससे बोल रहा हूं तो गाइस इसके अंदर साउंड आ रहा है, इससे बोल रहा हूं तो इसके अंदर साउंड आ रहा है, बट हमें इस बटन को दबाना पड़ता है बोलने से पहले, देखो ये बटन मैंने दबाया, हेलो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, हेलो हेलो। तो गाइस ये बटन दबाने के बाद ये वॉकी टॉकी वर्क करती है, तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं, और गाइस अगर आपने कभी वॉकी टॉकी यूज किया तो कमेंट में जरूर बताना, काफी अमेजिंग क्वालिटी, और गाइस आप देख सकते हैं एवेंजर्स यहां पे बने हुए हैं ना, एवेंजर्स आयरन मैन और हल्क बना हुआ है, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन यहां पे लिखा है, तो काफी अमेजिंग है, मुझे दोनों ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्वालिटी काफी अच्छी है और साउंड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है। इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास है यहां पर बहुत ही अमेजिंग एवेंजर्स वाली एक वॉच, ये देखो है ना, मेरे पास वैसे तो बहुत सारी वॉचेज हैं बट ये गाइस देखो ये एवेंजर वाली वॉच है जिसके अंदर एवेंजर के सारे कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे, ये गाइस प्रोजेक्टर वॉच है, और गाइस ये देखो यहां पे मेरे पास हल्क वाली वॉच है, यहां पे देखो मेरे पास स्पाइडरमैन वाली वॉच है, और गाइस यहां पे और भी वॉचेज है मैं आपको दिखाया था, ये देखो है ना, और गाइस ये देखो मेरे पास बहुत सारी वॉचेज है अलग अलग कैरेक्टर वाली, स्पाइडरमैन वाली है, हल्क वाली है, आयरन मैन वाली है, और गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि ये वाली प्रोजेक्टर वॉच कैसे वर्क करती है। वैसे तो अपनी वीडियोस में मैं आपको लगातार दिखाता रहता हूं कि प्रोजेक्टर वॉच कैसे वर्क करती है, ये देखो यहां से गाइस हमें इसके स्ट्रैप को हटाना पड़ेगा, देखो यहां पे ये इसके ऊपर ना बैटरी को रोकने के लिए ताकि बैटरी डाउन ना हो जाए उसके लिए गाइस ये स्ट्रैप लगी होती है, इसको अगर हम हटा देंगे और गाइस दोबारा से इसके पट्टे को लगाएंगे तो गाइस इसका प्रोजेक्टर अच्छे तरीके से वर्क करता है, ये देखो मैंने इसको लगा लिया, और गाइस हमारा कुछ इस तरह का
एवेंजर वॉच रेडी हो गई है। देखो 10:46 के अंदर हो रहे हैं, है ना। और गाइज अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो गाइज ये देखो इसका प्रोजेक्टर वर्क करता है, और अगर हम इसे प्लेन दीवार पर चलाएंगे तो गाइज कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिस्प्ले होते हैं। और यहाँ पे जो बटन है, इन बटन्स को दबा के इस वॉच के अंदर आप टाइम सेट कर सकते हैं, ये देखो, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका प्रोजेक्टर मैं आपको दीवार पे यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। सो गाइज एवेंजर वॉच मेरे हाथ में, मैं इसका प्रोजेक्टर बटन ऑन करता हूँ। सो गाइज ये देखो, जैसे ही मैंने इसका प्रोजेक्टर बटन ऑन किया, गाइज ये देखो दीवार पे आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहा होगा, है ना। और जितनी बार हम इसका बटन दबाएंगे उतनी बार इसके अंदर से कैरेक्टर चेंज हो गए। देखो अभी कैप्टन अमेरिका दिखाई दे रहा है, ये देखो अब हल्क दिखाई दे रहा है, और गाइज ये देखो इस बार कोई और कैरेक्टर है। जितनी बार मैं इसका बटन दबाऊंगा उतनी बार इसके अंदर से कैरेक्टर चेंज होंगे। और गाइज ये देखो इसका प्रोजेक्टर कुछ इस तरह से वर्क करता है, इसके अंदर से लाइट बाहर आती है ना, आप देख सकते हैं। और गाइज अब दीवार पे देखो, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम है, आई थिंक इसके स्क्रीन पर ना थोड़ी मिट्टी लग गई है, बट इसके कैरेक्टर काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है गाइज, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर वॉच काफी अमेजिंग तरीके से वर्क कर रही है। अगर मैं इसका शीशा साफ कर लूंगा ना तो कैरेक्टर आपको और भी अच्छे तरीके से विजिबल होंगे। और गाइज आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ये दिखाई दे रही है, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है ना। सो गाइज आपने देखा कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसका प्रोजेक्टर वर्क करता है गाइज, है ना। बहुत ही अलग अलग टाइप के एवेंजर्स के सारे कैरेक्टर दीवार पे आपको दिखाई दे रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसको गाइज यहां पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह के शार्पनर, ये देखो ये गाइज कैप्टन अमेरिका वाला शार्पनर, आप देख सकते हैं कैसा ये दिखाई दे रहा है, और ये स्पाइडरमैन वाला शार्पनर, दोनों का डिजाइन सेम टू सेम है, बट गाइज ये दोनों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये गाइज पेंसिल को शार्प करते हैं। देखो मैं इसको यहां पे रख लेता हूं, एक पेंसिल लेके आता हूं और आपको शार्प करके दिखाता हूं, एक सेकंड का वेट कीजिए। सो गाइज ये देखो एक पेंसिल है मेरे पास जिसको मैंने आगे से तोड़ दिया है ताकि मैं आपको इसको शार्प करके दिखा सकूं। अब गाइज इस कैप्टन अमेरिका वाली वॉच से, मतलब कैप्टन अमेरिका वाले शार्पनर से हम इसको शार्प करेंगे। देखो पहले पेंसिल को हम इसके अंदर अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, और जैसे ये सेट हो जाएगी इसको घुमाएंगे गाइज, ये देखो थोड़ा सा घुमाएंगे और हमारी पेंसिल बहुत ही अमेजिंग तरीके से शार्प हो जाएगी। और गाइज ये देखो मैं इसको बाहर निकालता हूं, ये देखो गाइज हमारी पेंसिल शार्प हो गई है, और इसी तरह के शार्पनर से मैंने इस साइड को भी शार्प किया था, है ना, आप देख सकते हैं। तो इसने बहुत ही अमेजिंग तरीके से पेंसिल को शार्प कर दिया, और दोनों अलग अलग कैरेक्टर वाले हैं। देखो ये स्पाइडरमैन वाला है, ये कैप्टन अमेरिका वाला है, और दोनों ही वर्किंग कंडीशन में है, ये इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है ना गाइज। तो इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। अगर आपने इस तरह के गाइज अलग अलग डिजाइन वाले शार्पनर कभी यूज किए हैं तो कॉमेंट में बताना। और गाइज ये देखो मेरे पास है यहां पर एक कुछ इस तरह का स्पाइडरमैन वाला फ्रेंडशिप बैंड, ये देखो यहां पर स्पाइडरमैन का लोगो बना हुआ है, इसको गाइज आप इससे अलग भी कर सकते हैं, और गाइज अब आप इसको एज अ स्केल भी यूज कर सकते हैं, है ना, सीधी लाइन खींचने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और गाइज इसको यहां पर लगाने के बाद आप इसको एज अ फ्रेंडशिप बैंड यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखो इसको मैं अपने हाथ पे मारता हूं तो गाइज ये देखो ये फ्रेंडशिप बैंड की तरह आपके हाथ के ऊपर आ जाता है। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूं, ये देखो गाइज, है ना, बहुत ही अमेजिंग है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइज इस तरह का फ्रेंडशिप बैंड, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है। सो गाइज आप देख सकते हैं काफी यूनिक टाइप की ये चीज है, है ना। और गाइज इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है यहां पर कुछ इस तरह के बहुत ही अमेजिंग से एवेंजर्स वाले कैरेक्टर, ये देखो ये है मेरे हाथ में हल्क जिसका प्राइस है 180 रुपीज। यहां पे गाइज आप देख सकते हैं आयरन मैन है, और गाइज मैं आपको और भी दिखाता हूं, ये देखो मेरे पास है गाइज थॉर, और यहां पर है कैप्टन अमेरिका जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, है ना। और भी कैरेक्टर है, मैं आपको सारे दिखाता हूं, एक सेकंड का वेट कीजिए। ये देखो गाइज मेरे पास यहां पे है गाइज स्पाइडरमैन, और गाइज यहां पे है देखो ब्लैक पैंथर, और गाइज यहां पे एक और कैरेक्टर पता नहीं मैंने कहां रख दिया है, ये देखो गाइज थेनोस भी है मेरे पास, है ना। मैं आपको वन बाय वन सबको ओपन करके दिखाता हूं। सबसे पहले गाइज ये देखो जो हमारा थेनोस है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये वाले जो पाउच हैं गाइज ये मुझे 150 रुपीज के मिले हैं। तो गाइज ये देखो थेनोस कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, और बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी है तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये दिखाई दे रहा है ना। और गाइज ये देखो इसकी गर्दन थोड़ी सी मूव होती है, हाथ मूव होता है, और गाइज देखो इसने कुछ हाथ में ग्लव भी पहन रखा है ना। और गाइज ये देखो, ये देखो इसके हाथ और पैर बहुत ही अमेजिंग तरीके से मूव होते हैं, इसको आप स्टैंड करना चाहे तो स्टैंड भी कर सकते हैं, काफी अमेजिंग है। 150 रुपए में मुझे ये मिला है। यहां पे इसके पीछे बटन है, अगर मैं बटन को दबाता हूं तो गाइज ये देखो इसके अंदर ब्लू कलर की लाइट जलती है जिसकी रोशनी काफी ज्यादा है, है ना। सो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास है थेनोस। और गाइज ये देखो यहां पे हमारे पास स्पाइडरमैन भी है, मैं आपको ये भी दिखाता हूं गाइज,
है ना। वैसे तो मैंने आपको ये अलग अलग वीडियोस में दिखाए हुए हैं, बट गाइस इस बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमारे पास है स्पाइडरमैन जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, और स्पाइडरमैन के दो दो जाल भी है हमारे पास जो कि गाइस ये देखो रबर टाइप के हैं। और गाइस स्पाइडरमैन को आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग है, हाथ मूव होते हैं, गर्दन 360 डिग्री मूव होती है, पैर भी मूव होते हैं, ओवरऑल गाइस ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये वाले मुझे 150 रुपीज में मिले हैं। ये देखो मेरे पास ब्लैक पैंथर भी है, ये भी मुझे 150 रुपीज में मिला है, बट ये जो बड़े वाले साइज के हैं ये मुझे 180 रुपीज के मिले हैं। तो गाइस ये देखो इस बार मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास है यहां पर थॉर। ये देखो गाइस ये है मेरे हाथ में थॉर, और गाइस यहां पे है थॉर का हथौड़ा। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, अगर आप एवेंजर्स फैन है तो गाइस ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टॉयज हैं। ये देखो आप देख सकते हैं थॉर की गर्दन पूरी घूमती है, हाथ भी मूव होते हैं, पैर भी मूव होते हैं, और गाइस ये देखो कुछ ऐसा ओवरऑल ये दिखाई देता है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और गाइस ये देखो यहाँ पे हथौड़ा, हथौड़ा मारेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं है ना थॉर का हथौड़ा कैसे काम करता है आपको पता ही होगा, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इस वाले का प्राइस है 180 रुपीज। और गाइस ये देखो हमारे पास यहाँ पर हल्क भी है, आयरन मैन भी है, और कैप्टन अमेरिका भी है। तो गाइस मैं आपको हल्क और ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा है गाइस ये साइज में, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी है। ये देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, और गाइस ये देखो कुछ इस तरह का हमारा हल्क दिखाई देता है। इसका साइज देखो गाइस मेरे हाथ में कितना बड़ा इसका साइज है ना। और गाइस ये देखो इसकी गर्दन मतलब इसके हाथ पूरे 360 डिग्री घूमते हैं, गर्दन भी मूव होती है, पैर भी मूव होते हैं ना, और जिसके अंदर लाइट जलती है वही मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो बटन में दबा रहा तो गाइस आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइट जलती है। तो काफी सारे कैरेक्टर मेरे पास जो कि आपने देख ही लिए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इनको यूज करने में मजा बहुत आता है। और गाइस ये देखो मेरे पास है यहां पर कुछ इस तरह का एक कैप्टन अमेरिका सोल्जर। ये देखो ये कैप्टन अमेरिका है जो कि गाइस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये बंदूक लेके जा रहा है लड़ाई करने के लिए, इसलिए इसको सोल्जर कहा जाता है। नीचे से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहां पे इसके अंदर बैटरीज डाली जाती हैं। ये देखो बैटरीज मैंने इसके अंदर डाल रखी है ना, तो इसको पहले बंद कर लेते हैं। और गाइस ये देखो ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहां पर बटन है, बटन को दबाया तो गाइस ये देखो किस तरह से मूव हो रहा है। अब ये गोली भी मारेगा गाइस, देखना ये देखना अभी गोली मारेगा, और गाइस ये देखो यहां से ये गोली मार रहा है ना, काफी अमेजिंग। और गाइस देखो इसके पैर भी मूव होते हैं, और इस तरह के मेरे पास तीन तीन कैरेक्टर हैं। ये देखो ये है गाइस कैप्टन अमेरिका, और गाइस ये देखो यहां पर हमारे पास है हल्क, और तो और हमारे पास यहाँ पे है एक स्पाइडर मैन। ये देखो तीन तीन कैरेक्टर हैं, और तीनों का आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ना, कितने ज्यादा अमेजिंग है, और तीनों के तीनों चलते हैं वर्किंग कंडीशन में। तो मैं आपको इसको जमीन पे चला के दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो गाइस ये देखो तीनों कैरेक्टर्स को मैंने फर्श पे रख लिया है। देखो ये है हल्क, ये है स्पाइडरमैन, और ये है कैप्टन अमेरिका, और तीनों गाइस कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं है ना। यहां से मैं इनके बटन ऑन करता हूँ तो गाइस ये देखना किस तरह से वर्क करेंगे। ये देखो गाइस कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, देखो है ना, यहाँ से गोलियां भी मारते हैं, और गोलियां मारते टाइम चलते रहते हैं। ये देखो भाई वाओ कितना अमेजिंग है। और गाइस ये देखो कैप्टन अमेरिका तो कहीं और ही भागने की कोशिश में है, तो काफी अमेजिंग गाइस, और तीनों का आप देख सकते हैं कितने ज्यादा अमेजिंग ये दिखाई दे रहे हैं। ये देखो जब गोलियां चलाते हैं तो गाइस ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये देखो मुझे तीनों बहुत ही ज्यादा पसंद है, और गाइस तीनों इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो तो गाइस अगर आपको तीनों टॉय पसंद आए तो कॉमेंट में बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। सो गाइज आपने देखा कि हमारे तीनों कैरेक्टर कितने अमेजिंग तरीके से वर्क करते हैं है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया गाइज आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से चलते हैं, बहुत ही क्यूट भी दिखाई देते हैं। तो गाइज इसको यहां पे रख लेते हैं, और गाइज इसके बाद हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह का बहुत ही अमेजिंग सा एक, ये देखो हल्क वाला फेस मास्क है ना। और गाइज आप देख सकते हैं हल्क कितने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे हल्क वाली वॉच भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये प्लास्टिक का मास्क है गाइज, इसके यहाँ पे रबर बैंड लगा हुआ है ताकि हम इसे अपने फेस पे लगा सके, यहाँ पे बटन है, और गाइज के अंदर लाइट भी जलती है, ये देखो लाइट ब्लिंक होती है आपको दिखाई दे रही होगी। ये गाइज मुझे आई थिंक 100 रुपीज का मिला था है ना। और गाइज मेरे पास इसके दो दो कैरेक्टर और हैं, ये देखो गाइज कितने अमेजिंग है। यहाँ पे हमारे पास है कुछ इस तरह का थैनोस, और गाइज स्पाइडर मैन है ना, कितना अमेजिंग। और गाइज आप देख सकते हैं एक नीचे गिर गया, बट गाइज ये बहुत ही अमेजिंग है ना। और गाइज इनको अंदर लाइट भी जलती है, देखो मैं इसके अंदर लाइट जला के आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसकी आंख में लाइट जलती है, अंधेरे में अगर इसकी लाइट को देखेंगे ना गाइज बहुत ही ज्यादा रोशनी होती है, और तीनों कैरेक्टर के अंदर लाइट जलती है। तो इसको गाइज मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और गाइज आप देख सकते हैं मैंने आपको बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए जो कि अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास है कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा,
ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो एवेंजर्स वाला ज्योमेट्री बॉक्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो हल्क है, कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है और थॉर है। और गाइज ये देखो यहां से मैं इसको ओपन करूंगा तो गाइज ये देखो इसके अंदर कैलकुलेटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक डोरेमोन वाला 3D प्रिंट लगा हुआ है जिसको हम मूव करेंगे तो गाइज ये कुछ इस तरह से कैरेक्टर चेंज करता है। ये देखो डोरेमोन बन गया और देखो नोबिता और डोरेमोन है, ये देखो है ना कितना अमेजिंग। और गाइज ये देखो जो इसका कैलकुलेटर है वो भी वर्किंग कंडीशन में आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखो ये बटन मैंने दबाया तो गाइज ये ऑन हो गया। और गाइज ये देखो 9 × 2 = 18 गाइज ये देखो है ना अच्छे तरीके से इसका कैलकुलेटर वर्क करता है। और आप इसके कैलकुलेटर को बाहर की तरफ मूव करके भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इस ज्योमेट्री बॉक्स के नीचे यहां पर एक और कंपार्टमेंट बना हुआ है ना, तो काफी ज्यादा सामान इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। और अगर आप कैलकुलेटर को बंद करना चाहे तो यहां से ऑफ कर सकते हैं ताकि इसकी बैटरी डाउन ना हो, है ना बहुत ही अमेजिंग है गाइज ये। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास है यहां पर कुछ इस तरह का एक एवेंजर्स वाला बहुत ही अमेजिंग एक सीक्रेट डायरी है ना, यहाँ पे लिखा एवेंजर्स 2, ये देखो सारे कैरेक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। और गाइज ये देखो ये एक सीक्रेट डायरी है जिसके अंदर हम काफी कुछ लिख के इसको लॉक कर सकते हैं क्योंकि गाइज इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। देखो यहाँ पे बटन है और गाइज जब तक हम इसके अंदर लॉक नहीं लगाएंगे तो हम इसको ओपन नहीं कर सकते। देखो और गाइज ये देखो यहां से इसका लॉक ही टूट गया है, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगा दिया बट गाइज नॉर्मली ये ओपन नहीं होता है। और गाइज इसका लॉक कैसे यूज करते हैं, देखो 2468 इसके लॉक का नंबर है। देखो इसके लिए हमें 2 दबाना पड़ेगा, 4 दबाना पड़ेगा, 6 दबाना पड़ेगा और 8 दबाना पड़ेगा। उसके बाद गाइज जब हम इस बटन को दबाएंगे तो गाइज ये देखो बहुत ही स्मूथली ये ओपन हो जाता है। दूसरी साइड से भी देखो गाइज यहां से ओपन हो जाता है जिससे कि गाइज इसके सारे पेजेस खुल जाते हैं। और गाइज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसे खोलने में, ये देखो सारे पेजेस खुल गए हैं है ना। लॉक लगाने के बाद गाइज ये बिल्कुल इसको खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है ये देखो, बट गाइज अभी ये थोड़ा सा गिर गया था मुझसे, उसके बाद गाइज शायद इसके बटन बटन दब गए हैं जिसकी वजह से यहां से ओपन हो जा रहा है। बट गाइज मैं इसको चेक करूंगा ताकि मैं इसको ठीक कर पाऊं। बट गाइज ये कुछ इस तरह से वर्क करती है, लॉक लगाने के बाद ही ये ओपन हो पाती है, उससे पहले ये ओपन नहीं होती है। तो गाइज इसको यहां पे रख लेते हैं। और गाइज ये देखो मेरे पास है यहां पर कुछ इस तरह का एक स्पाइडर मैन वाला वीडियो गेम जो कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। बैटरीज मैंने इसके अंदर डाल ली है ताकि आपको दिखाने में आसानी रहे। और गाइज ये देखो इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, साइज आप देख सकते हैं, यहां पे काफी सारे बटन है, ऑन ऑफ का है, SP है, रीसेट है, साउंड है, अप डाउन के बटन से। और गाइज ये देखो एक बटन यहां पर है। और गाइज इसके अंदर हम वीडियो गेम कैसे खेलेंगे ये देखो, यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज यहां पे इसकी डिस्प्ले है, यहां पे ऑन ऑफ का बटन है, इसको दबाऊंगा तो गाइज ये ऑन हो जाएगा। देखो ये ऑन हो गया है। और गाइस इसके अंदर हमें गेम सेट करनी है तो गाइस ये कुछ इस तरह से इसके अंदर हम गेम सेट कर सकते हैं। देखो गेम ऑन हो गई है। और गाइस ये देखो कुछ इस तरह से इसके अंदर गेम खेली जाती है ना। अगर आपने इस तरह के कभी वीडियो गेम खेले हैं तो कमेंट में जरूर बताना, काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं ये देखो है ना। और इसके अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गेम इसके अंदर होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के गेम्स इसके अंदर होते हैं है ना। तो कहिए काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसके अंदर साउंड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसका डिजाइन स्पाइडर मैन वाला, ये इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है। अगर आपने इस तरह के वीडियो गेम कभी खेले हैं तो कमेंट में बताना। इसको गाइज यहां पे रख लेते हैं। और गाइज ये देखो मेरे पास है यहां पर कुछ इस तरह का एक हल्क वाला वॉच, ये देखो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं, ये देखो है ना, इसको हम यहां पे रख लेते हैं। और गाइज जो हमारी वॉच है वो मेरे हाथ में जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है, तो काफी अमेजिंग इसका डिजाइन है। और गाइज इसका डिजाइन तो अमेजिंग है ही, ये देखो अगर मैं इसको यहां से ओपन करूंगा तो गाइज ये देखो इसके अंदर यहां पे टाइम देख सकते हैं, इसको मैंने गलती से ज्यादा ही ओपन कर दिया। देखो मैंने इसको यहां से उखाड़ दिया था, बट गाइज ये देखो यहां पे इसके अंदर हम टाइम देख सकते हैं, टाइम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पे बटन से बटन को दबाएंगे तो गाइज टाइम सेट कर सकते हैं, है ना कितना अमेजिंग। और गाइज यहां पे बटन है, इस बटन को दबाते हैं तो इसके अंदर लाइट जलती है, बट इस वाली वॉच की लाइट खराब हो गई है पता नहीं कैसे। और गाइज ये देखो यहां पे बेबी हल्क वाला फेस बना हुआ है, देखो यहां पे भी हल्क बना हुआ है, यहां पे भी हल्क बना हुआ है, ओवरऑल ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इसका एक और मेरे पास गाइज दूसरा एक और वॉच है वो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड का वेट कीजिए। ये देखो गाइज मेरे पास है यहां पर एक आयरन मैन वाली कुछ इसी तरह की वॉच, ये देखो यहां पे लिखा है म्यूजिक लाइट एंड साउंड है ना। इसके अंदर गाइज कुछ इस तरह से वर्क करेगा, साउंड भी आएगा और लाइट भी जलेगी। और गाइज ये देखो यहां पे आयरन मैन बना हुआ है। और गाइज ये दूसरी वाली जो वॉच है ये गाइज कुछ इस तरह से हल्क बनी हुई है, ये देखो है ना कितना अमेजिंग। आपका इन दोनों में से फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट में बताना। और गाइज ये देखो यहाँ पे आयरन मैन बना हुआ है और यहाँ पे भी आयरन मैन बना हुआ है, इन दोनों की क्वालिटी लगभग लगभग सेम टू सेम है। इस तरह की वॉच आपको कम से कम 150 रुपीज में मिलेगी क्योंकि ये बहुत अमेजिंग डिजाइन के साथ आती है, हाथ में पहनेंगे तो गाइज ये कुछ ऐसी दिखाई देगी ये देखो
है ना, कितना अमेजिंग। और गाइज इस तरह से आप इसको ओपन करके इसके अंदर टाइम देख सकते हैं। और गाइज जो ये वाली है ये भी हाथ पे देख सकते हैं आप, कुछ ऐसी ये दिखाई देगी। ये तो गाइज कुछ ज्यादा ही अमेजिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ग्रीन हल्का है ना काफी क्यूट दिखाई दे रहा है। और गाइज ये देखो इसके अंदर लाइट जलती है नहीं जलती है चेक करते हैं। देखो इन वाले बटन से हम टाइम सेट करेंगे, ये देखो है ना, इस वाले बटन से भी टाइम सेट करेंगे, ये देखो, और इस वाले बटन को दबाएंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर लाइट जलती है और साउंड आता है, सेम इसके अंदर भी होता है। बट गाइस इसका सिस्टम खराब हो गया जो कि मैं बाद में ठीक कर लूंगा। और गाइस अंधेरे में देखना है कितने अमेजिंग तरीके से वर्क करती है। ये देखो गाइस मैंने अंधेरा कर लिया है, मैं इसका बटन ऑन करता हूं और गाइस ये देखो कुछ इस तरह से वर्क करती है। और जो हमारा आयरन मैन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, और अगर मैं इसको यहां से ओपन करूंगा तो गाइस ये देखो कितना अमेजिंग साउंड आ रहा है, बहुत ही प्यारी लाइट इसके अंदर जल रही है ना, तो काफी अमेजिंग है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइस इस तरह की वॉचेज जिनके अंदर लाइट आता है, साउंड आता है और जिनका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। देखो वाओ यार, अंधेरे में आप देख सकते हैं कितना प्यारी इसकी लाइट जल रही है। सो गाइस लाइट्स ऑन कर लेते हैं। सो गाइज आप मुझे कमेंट में बताना कि इन दोनों में से आपकी फेवरेट वॉच कौन सी है। इसको गाइज यहां पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह की डायरीज, ये देखो है ना, ये देखो ये है कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स वाली डायरी और ये स्पाइडर मैन वाली डायरी। इसके ऊपर सारे एवेंजर्स बने हुए हैं, इसके ऊपर स्पाइडर मैन बना हुआ है। और गाइज ये कैसी दिखाई देती है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज इसके अंदर हमें मिलती है दो दो चीजें। एक तो मिलता है गाइज ये देखो कुछ इस तरह की डायरी और एक छोटा सा क्यूट सा पेन। ये देखो पेन आप देख सकते हैं कैसा है, ये देखो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा पेन है और यहाँ पे उसके ऊपर एवेंजर्स के सारे कैरेक्टर बने हुए हैं। और गाइज ये देखो डायरी को अगर हम ओपन करते हैं तो गाइज ये देखो इसके अंदर काफी सारे पेजेस हैं, इसको नोटबुक की तरह यूज किया जा सकता है, तो काफी अमेजिंग है। और यहां से हम इसके ऊपर लॉक लगा सकते हैं, है ना, कितना अमेजिंग। और सेम इसी तरह से ये वाली डायरी भी वर्क करती है, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो गाइज है ना कितनी अमेजिंग, ये देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन बना हुआ है। और गाइज ये देखो इसके अंदर यहाँ पे काफी स्पेस भी है, ये देखो सारे पेजेस ब्लैंक है ना, नोटबुक की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है स्पाइडर मैन वाला एक छोटा सा पेन। और इसके बाद गाइज हमारे पास है बहुत सारे ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो कुछ इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स है जिसके अंदर काफी सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। देखो एक दो तीन चार बटन यहाँ पे बने, हम चारों बटन को दबाते हैं। देखो यहां से डबल शार्पनर वाला एक कंपार्टमेंट ओपन हो गया है, इसको दबाऊंगा तो गाइज ये देखो यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट ओपन हुआ है। और गाइज ये देखो इसको दबाएंगे तो यहां से भी कंपार्टमेंट ओपन होगा, यहां से भी ओपन होगा, और यहां से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है। पेन पेंसिल कलर को यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, है ना, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और गाइज यहां से इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्पेस है। तो ओवरऑल गाइज इस तरह के ज्योमेट्री बॉक्स आपको 200 रुपीज के मिलेंगे, है ना, कैरेक्टर वाले। इसके अंदर सारे कैरेक्टर आपको मिल सकते हैं, अगर आप कोई सा भी कार्टून कैरेक्टर लेना चाहते हैं आपको मिल सकते हैं। और गाइज काफी ज्यादा अमेजिंग है। और गाइज ये देखो हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह का एक बहुत ही अमेजिंग सा बॉक्स जिसके अंदर सारे के सारे एवेंजर्स हैं, और तो और इसके अंदर बैटमैन भी है, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको 250 रुपीज के आसपास मिलेगा गाइज, ये देखो है ना सारे कैरेक्टर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, ये है कैप्टन अमेरिका, है ना, कितना अमेजिंग। और यहाँ पे गाइज आयरन मैन, इन सभी के अंदर लाइट भी जलती है। देखो यहाँ पर बटन है और बटन को मैं दबाऊंगा तो गाइज ये देखो इसके अंदर लाइट जलेगी, एक सेकंड का वेट कीजिए, ये बटन है इसको मैं दबाता हूं तो गाइज ये देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा रोशनी है ना। और गाइज ये आयरन मैन है, काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे हमारा सबसे फेवरेट हल्क है, ये देखो हल्क का आप साइज देखो गाइज कितना बड़ा ये दिखाई देता है। इसके अंदर भी लाइट जलेगी अगर हम इसके बटन को दबाएंगे तो गाइज ये देखो बटन दबा रहा हूं बट गाइज कोई लाइट नहीं जल रही, आई थिंक इसकी लाइट खराब हो गई है। और यहां पे हमारे पास है थॉर, और गाइज आप देख सकते हैं थॉर कैसा दिखाई दे रहा है, यहां पे थॉर का हथौड़ा भी है, ये देखो गाइज। और तो और इसके अंदर सबसे अमेजिंग बात यह कि इसके अंदर बैटमैन भी आता है, ये देखो एवेंजर्स वाले पैक के अंदर बैटमैन भी आता है, और कितना ज्यादा ये अमेजिंग दिखाई दे रहा है ना। सो गाइज आप देख सकते हैं 200 रुपीज से ज्यादा का आपको ये बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर सारे सुपर हीरोज हैं, है ना, काफी अमेजिंग है गाइज। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह की बहुत ही अमेजिंग सी, ये देखो रोबोट वाली वॉचेस जो कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। ये देखो यहां पे है गाइज कैप्टन अमेरिका, यहां पे है हल्क, और एक वहां पे रखी है जो कि है गाइज आयरन मैन, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो ये वाली मुझे मिली थी 280 रुपीज की, ये देखो ये तीन तीन कैरेक्टर है मेरे पास, और गाइज ये काफी अमेजिंग है, ये रोबोट भी बन जाती है और वॉच भी बन जाती है। तो गाइज मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूं, है ना, हल्क वाली ओपन करते हैं गाइज। ये देखो यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो कुछ इस तरह से इसके अंदर हमें हल्क को निकालना पड़ेगा बाहर। और गाइज ये देखो
हल्क आ चुका है बाहर और गाइस ये कैसा दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, है ना, रोबोट वाली शेप में गाइस ये एक्चुअल में। और गाइस एक सेकंड का वेट कीजिए, मैं इसको सामान को यहाँ पे रख लेता हूँ। ये देखो जो हमारी वॉच है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। और गाइस अगर हम इसको यहाँ से बैंड करेंगे कुछ इस तरह से तो हम इसको वॉच भी बना सकते हैं और रोबोट भी बना सकते हैं। देखो अभी गाइस मैं आपको इसको वॉच बना के दिखाता हूँ। ये देखो इसके सारे हाथ पैर मैंने ऊपर से नीचे तक असेंबल कर दिए हैं। और गाइस ये देखो ये अभी बन गई है कुछ इस तरह की हल्क वॉच। ये देखो हाथ पे मैंने इसको पहन के आपको दिखाया है ना, और जो हल्क है वो कितना एंग्री दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसे रोबोट बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से हम इसको रोबोट भी बना सकते हैं। ये देखो है ना, और स्टैंड करना चाहें तो गाइस इस तरह से स्टैंड भी कर सकते हैं। देखो यहां से ये स्टैंड भी हो जाती है। देखो है ना कितनी अमेजिंग चीज। और गाइस इसके अंदर टाइम भी देख सकते हैं, यहां से हम बटन को ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो एवेंजर्स लिखा हुआ है, हल्क बना हुआ है, 7:46 इसके अंदर हो रखे हैं। बटन दबाएंगे तो गाइस लाइट भी जलती है। ये देखो है ना काफी अमेजिंग है। और गाइस हम इसको स्टैंड करते हैं तो ये और भी ज्यादा अमेजिंग दिखाई देती है। और सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे गाइस ये देखो आयरन मैन वाली वॉच है, प्राइस इनका काफी ज्यादा है। और ये देखो कैप्टन अमेरिका वाली भी है, प्राइस काफी ज्यादा बट ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और गाइस ये देखो मेरे पास यहाँ पे स्पाइडर मैन वाली गाड़ियां हैं, ये देखो कुछ इस तरह की है ये और एक इस तरह की है ना, साइज आप दोनों का देख सकते हैं, अलग अलग साइज है। और गाइस ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से भागती है। देखो आप इसको पीछे भगाना चाहे पीछे भी भागेगी, आगे भगाना चाहे आगे भी भागेगी, इस साइड से भगाना चाहे इस साइड से भी चलेगी है ना, और इधर से भगाना चाहे इधर से भी चलेगी। तो ये चारों तरफ से वर्क करती है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और दूसरी वाली भी सेम ऐसी ही है। ये देखो किसी भी साइड से आप इसको भगाना चाहे भगा सकते हैं। और गाइस अभी जब ये किसी चीज से टकराती है तो कुछ इस तरह से घूम के वापिस से चलने लग जाती है, काफी अमेजिंग है गाइस ये। और मेरे पास है यहाँ पर एक स्लाइम का बॉक्स जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये देखो ये गाइस मुझे 80 रुपीज का मिला है और इसके अंदर हमारे पास है कुछ इस तरह की बहुत ही अमेजिंग क्रिस्टल क्लियर स्लाइम। ये देखो है ना, और तो और गाइस इसके अंदर एक कैरेक्टर है जो कि है गाइस ये देखो आयरन मैन। ये देखो गाइस, और आयरन मैन कैसा दिखाई दे रहा है ये आप देख सकते हैं। ये देखो जो कि स्लाइम के अंदर पूरी तरह से कवर है, थोड़ा सा मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूं। ये देखो गाइस आयरन मैन स्लाइम के अंदर है, तो ये काफी अमेजिंग है गाइस। वैसे तो नॉर्मल स्लाइम है बट गाइस इसके अंदर आयरन मैन को डाल रखा है इसलिए मैं आपके लिए ले आया, काफी अमेजिंग है गाइस ये। और स्लाइम कुछ इस तरह की है कि आपके हाथ में नहीं चिपकेगी, ये इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है ना, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ये दिखाई दे रही है। और गाइस ये देखो मेरे पास अलग अलग डिजाइन वाले ज्योमेट्री बॉक्स है, जैसे कि स्पाइडर मैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स है। ये देखो है ना, यहाँ पे गाइस कुछ इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स है कार वाले डिजाइन में। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन मैन वाला कुछ इस तरह का पेंसिल पाउच है। और गाइस ये देखो मेरे पास यहाँ पे इरेजर का एक सेट है जिसके अंदर गाइस ये देखो आयरन मैन, हल्क और कैप्टन अमेरिका। और गाइस मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो इसके अंदर गाइस कुछ इस तरह के कैरेक्टर हैं, है ना, जो कि सारी ही चीजें इरेजर हैं जो कि पेंसिल का लिखा हुआ इरेज करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं काफी अमेजिंग ये सेट है। और गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टॉयज दिखाए जो कि सारे ही एवेंजर्स टॉयज थे। काफी मुश्किल था इतना बड़ा कलेक्शन कलेक्ट करना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो अमेजिंग अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।